ये हमारा नईम खान। अस्सलाम वालेकुम नईम। अस्सलाम। बीच में तो फिर नमाज का टाइम हो गया था, अभी नमाज पढ़ के जो है बस वापस घर जा रहा हूँ। चाय के बगैर गुजारा नहीं है। अये अये हाँ, ये है मेरा राफे गुल। अभी देखें भाई, प्याज जो है हल्के से ब्राउन हो गए इधर। मैं गोश्त पका रहा हूँ, खाना पका रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पकाने नहीं दे रहा है राफे। अब इसमें दही शामिल करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे शेख चाचा, क्या है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। गवांडी क्या हाल है? ये हमारे मोहल्ले के जो है बहुत खसूसी आदमी है भाई जान। ये हमारे सलमान भाई, और सलमान भाई की बेटे की खुशी में जो है ये सोहबत है। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद फुरकान, और ये हमारे जाकिर खान दिडोन है हमारे मोहल्ले के जो है भाई। क्या हाल है जाकिर? आज जो है हमारे अरशमान की खुशी में, सलमान भाई की बेटी की खुशी में जो है हमारा रिवायती प्रोग्राम सोहबत का प्रोग्राम होगा। तो खाना पकाने की ड्यूटी मेरे ऊपर डाली है। ये हमारा नईम खान। अस्सलाम वालेकुम नईम, क्या हाल है? ये जो है आलू बेचता है, और जो है चुस्की साथ में। अल्लाह ताला इसके कारोबार में बरकत डाले। तो पकाने की ड्यूटी मेरे ऊपर डाली है, अक्सर जो है सोहबत पकाता मैं हूँ। सलमान भाई का बेटा हुआ है अभी, तो मैं जा रहा हूँ। ये देखें वही अपनी ड्यूटी दुकान वाली अब्दुल्ला को ये कुल्फी का पेस्ट देने जा रहा हूँ। उसके बाद जो है तक सौदा सूद वगैरह तो ले लिया, लेकिन एक दो चीज़ें भूल गए थे, वो अभी लाऊँगा। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर पकाने की सेटिंग करेंगे। बीच में तो फिर नमाज का टाइम हो गया था, अभी नमाज पढ़ के जो है बस वापस घर जा रहा हूँ। बस अभी मैं घर पहुँच गया हूँ, और जो है पकाने की ड्यूटी शुरू हो गई है। हम लोग जो पकाते हैं तो वो जो नेशनल के, या आप किसी हाफिज सालन मिसाला लें, हाफिज जो है वो कढ़ाई गोश्त ले या चार गोश्त, उस पर जो तरीका लिखा होता है ना, उससे ज़रा मुख्तलिफ बनाते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। आज मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी मतलब शॉर्ट करके जो है बताऊंगा, तेज़ी थोड़ी थोड़ी, लेकिन आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। थोड़ा बहुत ये भी आपको साथ में बताता रहूँगा, क्योंकि अभी देखें मैंने पकाना शुरू कर दिया है। 3 किलो गोश्त है, तो इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो प्याज डाले हैं। प्याज मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, प्याज का अपना ही एक जायका होता है सालन में। अभी जो है इसे जो है ना हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब तक जो है प्याज में भी मैं चिमचा चलाता जाऊँगा, जब तक प्याज हल्के से ब्राउन होंगे तब तक मैं साथ साथ में चाय भी पीऊँगा, क्योंकि चाय था, चाय के बगैर गुजारा नहीं है। अये अये हाँ, ये है मेरा राफे गुल। आज की जो ये हमारी सोहबत की प्रोग्राम है, वो इसके भाई के पैदा होने की खुशी में है ना। भाई पैदा हुआ है ना आपका, क्या नाम है काका का? क्या नाम है? नहीं, क्या वो अरशिमान? क्या नाम है ऊंचा चिग? वह अरशिमान। नखरे बहुत करता है राफे मेरो, मेरा प्यारा प्यारा सा भतीजा नखरे बहुत करता है। वह अरशिमान तुम खोल। नखरो बहुत है मेरा प्यारा प्यारा प्यारा। अभी देखें भाई, प्याज जो है हल्के से ब्राउन हो गए, ज़्यादा इसे सुरख नहीं करना है, थोड़े से और भी अभी होंगे, क्योंकि देखें अभी गोश्त जो है धुल के आ गया है, बिल्कुल साफ सुथरा जो है ना धुल के आ गया। ये 3 किलो गोश्त है, 1 किलो मैंने प्याज डाले हैं, और 1 किलो से या 1 किलो से थोड़े कम टमाटर डालूंगा, लेकिन प्याज डालना जो है ना बहुत ही जो है ज़रूरी है। ये अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर मैं गोश्त पका रहा हूँ, खाना पका रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पकाने नहीं दे रहा है। राफे कैसे हो? बहुत ही शरारती है यार।
भाई जान ये गोश्त को जो है 5 से 6 मिनट बाद 6 मिनट तक पकाना है। प्यार यही गोश्त फ्राई करने के टाइम में जो है ना, भूनने के टाइम में जो थोड़ा सा नमक डाल देना है, 1 चम्मच से थोड़ा कम डाले, बाद में हम जो है फिर देखते रहेंगे। और 1 चम्मच जिसमें गया ज़ीरा, ये ज़ीरे का जो है ना बहुत ही स्पेशल जायका होता है। इसमें तकरीबन 8-10 मिनट गोश्त को भून लिया, ये हल्का सा ब्राउन हुआ, 1 मिनट लाइट जला के मैं ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब जो है इसमें टमाटर हम लोग ऐड करेंगे। टमाटर जो है कट के आ गए, ये देखें तकरीबन 1 किलो टमाटर हैं, ये क्योंकि गोश्त ज़्यादा है तो टमाटर भी ज़्यादा लगेंगे। ओहो, और हरी मिर्चें अभी डालेंगे इसमें। टमाटर डाल दिए हम लोगों ने, तो टमाटर जो है ना तकरीबन 10 मिनट तक इसे पकाएंगे, जो टमाटर इसमें घुल जाए, मुकम्मल तौर पर घुल जाए टमाटर। इसमें अभी और कुछ नहीं शामिल करेंगे, पानी वगैरह नहीं शामिल करेंगे जब तक। अभी इसको छुपा देंगे, ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद फिर जो है चिमटा चलाते रहेंगे। लहसुन कूट रहा हूँ अभी, बस लहसुन इसमें शामिल करेंगे। देखें अभी टमाटर के साथ जो है ना, टमाटर के बाद इसमें लहसुन शामिल करेंगे, क्योंकि अगर पहले से शामिल कर दें आप लहसुन, जब जिस टाइम प्याज तलते हैं तो उस टाइम जो है ना लहसुन की अफादियत तकरीबन बहुत अफादियत जो है जल जाती है, ख़त्म हो जाती है। टमाटर अच्छे तरीके से गल गए, अब इसमें दही शामिल करेंगे हम, और दही जो है ना इसमें सूखने तक जो है अच्छे तरीके से पकाएंगे, जब तक जो है घी ऊपर मतलब ऊपर निकल ना जाए। और इसमें डालेंगे हम 2 10 वाले सिर्फ अचार, 10 रुपए वाले अचार गोश्त हाफिज़ के। इसमें या हम लोग अचार गोश्त डालते हैं, या नेशनल का, या इसका हाफिज़ का, या अचार गोश्त या कढ़ाई गोश्त डालते हैं, दोनों का जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप डब्बे के तरीके से पकाएंगे तो उसमें 70 वाला डब्बा 1 किलो गोश्त के लिए, तो अभी इस 3 किलो गोश्त में हमने 3 डब्बे डालने थे, लेकिन ये इससे मिसालों से जो है ना, इससे प्याज वगैरह हमने डाले उसका जायका बहुत बेहतरीन होता है। ये मिसालें ज़्यादा नहीं डालते हम लोग इसमें। बस अभी हमारा जो है कढ़ाई गोश्त पक के तैयार हो गया है, ये देखें जी। और गोश्त को अच्छे तरीके से गलाना है, जितना अच्छा गलाएंगे ना उतना ही इसका टेस्ट जो है ना बेहतरीन होगा। जनाब ये हमारे जो है अरशमान की खुशी में सलमान भाई की बेटी सोबत का प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे तेज चाचा, क्या है जनाब? अस्सलाम वालेकुम गवांडी, क्या हाल है बेटा? ये हमारे गवांडी, हमारे पड़ोसी में गवांडी है सौरभ। अस्सलाम वालेकुम एहसान, क्या हाल है? बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, सारे मोहल्ले के जो है ना, ये हमारे मोहल्ले के जो है बहुत खुशी आदमी है भाई जान, इनका नाम मुझे नहीं आता है भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा भाई एहसान, ये मेरा खान, ये दिशाम मरवत, ये दरमान, अभी आपको सबसे मिलवाएंगे। और ये हमारा रोम, ये जो है बीच में लोगों के बीच में निकल जाते हैं, जरा परेशान हो जाते हैं। रफे कैसे हो? और ये अभी कुछ लोग अभी आएंगे, भी 2-3 लोग अभी कम है जी। ये हमारे सलमान भाई, और सलमान भाई की बेटे की खुशी में जो है ये सोबत है। अभी जनाब आप लोगों ने सोबत खा लिया है, तो सोबत का और तो सब चले गए, हम लोग गपशप के लिए बैठे हैं। ये थे शाम में सलमान भाई वगैरह गपशप लगा रहे हैं, अभी ये चंद बंदे रह गए और सारे जो है चले गए। मैं तो अभी जाऊंगा अब्दुल्ला के पास दुकान की तरफ।